सो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि राग भैरवी को आप लोग बेंजो के ऊपर कैसे बजाना सीख सकते हैं, यानी कि राग भैरवी की अगर आपको सरगम बजानी हो तो बेंजो के ऊपर कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि सरगम बजानी आएगी तभी आप गानों को बजा पाएंगे। तो यही चीज़ आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो कुछ नहीं करना, गिन के पहले 5 बटन छोड़ दीजिए और छठे बटन को देखिए। जैसे मैंने सा लिख रखा है आप भी सा लिख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिख रखा है ताकि आप लोगों को ईजी समझ में आ जाए कि कौन सा स्वर कहाँ पे। ये छठा बटन को मैंने सा माना है। सा के जस्ट बाद कोमल रे, कोमल रे के बाद एक नोट छोड़ दीजिए, फिर कोमल गा, कोमल गा के बाद एक नोट छोड़ के माँ, माँ के बाद एक नोट छोड़ के पा, पा के जस्ट बाद कोमल धा, कोमल धा के बाद एक नोट छोड़ के कोमल नी, और कोमल नी के बाद एक नोट छोड़ के तार सप्तक का सा। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप भी ये स्वर लिख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसकी सही सरगम की फिंगर पोजिशन बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप कौन से स्वर पे ऊपर कौन सी उंगली लगाएं। सा को बजाने के लिए आप रिंग फिंगर को यूज करिए, सा, रे को बजाने के लिए ये वाली उंगली, और गा को बजाने के लिए आप अंगूठा यूज करेंगे, और फिर हाथ को ऐसे घुमा के लाना माँ के ऊपर ये वाली उंगली आएगी, पा के ऊपर मिडिल फिंगर, और धा के ऊपर इंडेक्स फिंगर, नी के ऊपर अंगूठा, और तार सप्तक के सा के ऊपर फिर से पहली उंगली। सेम इसी तरह के सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, अभी स्लो तरीके से मैं आपको बजा के दिखाता हूँ एक एक स्वर को। देखिए सा, इस तरीके से आपको बजाना है। सेम अभी आपको थोड़ा फास्ट करके बजा के दिखाता हूं। सो बहुत सारे गाने हैं राग भैरवी के अंदर जो आप बजा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इसमें आपकी नागी धुन भी आएगी। पूछो जरा, पूछो जैसे कि गाना बजा के दे। और भी बहुत सारे गाने जैसे कि कर्मा मूवी से धुन है। सो ये सारी चीजें आप तभी बजा पाएंगे जब आपको राग भैरवी का पता होगा कि बेंजो के ऊपर कैसे बजेगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, पहली सरगम को पहले बजाना सीखिए, फिर उसके बाद दूसरी सरगम ट्राई करिए। दूसरी सरगम में आपको जैसे कि पता कि दो दो स्वर, उसको प्रैक्टिस करिए। सेम एज इट इज आप जो भी अलंकार आपको पता है वो सारे राग भैरवी के अंदर आप बजाइए, क्योंकि हाथ चलेगा तभी आप गाने बजा पाएंगे। तो इस तरीके से आप राग भैरवी को बेंजो के ऊपर बजा सकते हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में एक आपको चलन बजा के दिखाई, तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपका हाथ बेंजो के ऊपर चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आप समझ गए कि कैसे आप राग भैरवी को बेंजो के ऊपर बजा सकते हैं। जैसे स्वरों को मैंने लिख रखा सेम आप भी इन स्वरों को लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।